तो दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जो है ये जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है जो 150 वाट का है हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बूस्ट करने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो चुका है, या फिर कह सकते हैं मॉस्फेट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो है काफ़ी हीट हो गया, हीट होने के बाद से जो है ये जो है शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जिसका नंबर है HY1707, ठीक है, तो इस तरीके से है। और जो है हम इसको रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद से जो है यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर जो है एक शंट लगा होता है जो कि अम्पेयर को सेंस करता है, वो भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो हम जो है इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो है ये बन सकता है कि नहीं। तो सेम जो है मैं मार्केट से इस तरीके का जो है ट्रांजिस्टर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके का ट्रांजिस्टर लेकर आ चुका हूँ जिसका नंबर है आप देख सकते हो HY1707 है। ठीक है, तो इसको जो हम इसके अंदर लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए मैं सब कुछ आपको कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है इसको यहाँ पर टाइट कर लिया है, और यहाँ पर जो इसकी शोल्डिंग करेंगे, तो चलिए ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम और आ रही है, यहाँ पर जो शंट लगा था जो कि वो एम्पेयर को सेंस करता है वो हमारे पास है नहीं, तो हम इसकी जगह पर ये वाला शंट लगाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर जो है शोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, अब जो है हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर पा रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है हमने वायर लगा दिए हैं, यहाँ पर जो है इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन कर दिए हैं। आप पोलैरिटी का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो ये जो है फिर से ख़राब हो सकता है। तो अब जो है हम इसको टेस्ट करते हैं। चलिए, तो इसको चलाने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की जो है बैटरी चाहिए होगी, आप पावर सप्लाई से भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हम ये काम करेंगे कि जो है यहाँ पर जो है हम 12 वोल्ट देकर देखेंगे कि ये जो है वर्क कर पा रहा है कि नहीं। पहले जो है इसमें सीधा शॉर्टिंग हो जा रही थी जिसके करके जो है ये वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब जो है हम पहले तो देखना आप यहाँ पर एलईडी जो है इंडिकेट कर रही है लगाते ही। ठीक है, अब जो है हम इसको लगा देंगे इसके अंदर, और आपको जो है लाइव मैं डेमो दिखाऊंगा, मल्टीमीटर से चेक कर दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब जो है इसकी प्रोब को हम निकाल लेते हैं ताकि जो हमें आसानी हो इसके वोल्टेज चेक करने में। तो ये रहे हमारे आउटपुट के वायर, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज शो कर रहे हैं 34 वोल्ट। अब जो है हम इसको बड़ा और कम करके देख लेते हैं। तो हाँ, ये अच्छे से वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो लोड ले पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम वोल्टेज को थोड़ा अप कर लेते हैं। ओके, वोल्टेज हो चुके हैं हमारे अप। अब जो है हम इसे टेस्ट करने के लिए एक जो है 775 डीसी मोटर चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसमें इस तरीके से इसको लगाएंगे और चेक करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ठीक कर सकते हो। यहाँ पर जो है शंट ख़राब था तो मैंने जो है अलग से शंट लगा दिया है। ठीक है, ये 10 एम्पीयर का शंट है, और यहाँ पर जो है ये ट्रांजिस्टर ख़राब था तो मैं मार्केट जाकर जो है ये ट्रांजिस्टर ले आया और रिप्लेस कर दिया, जिससे जो है हमने इसको जो ठीक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको ठीक कर सकते हो। पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी इस कन्वर्टर को रिपेयर करके नहीं दिखाया, फर्स्ट टाइम ये वीडियो है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।